नमस्कार, नवोदय प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की यह एक और ताजा खबर। मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर की तहसील बहादुरपुर में एक गांव ऐसा भी है जहां स्थायी रूप से शमशान न होने से यहां दाह संस्कार की क्रिया भी मात्र औपचारिक रूप से ही निभाई जाती है। जब किसी के परिवार में किसी का निधन हो जाता है तो परिवार इसी चिंता में व्यस्त हो जाता है कि अब शव का दाह संस्कार कहाँ करें। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर की तहसील बहादुरपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गौरा से जुड़े हुए ग्राम चक्र की, जहाँ पर लोगों की अन्य मूलभूत समस्याओं के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि चक्र ग्राम में शमशान घाट अथवा मरघट ही नहीं है। बताया गया है कि जब यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शव का दाह संस्कार की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ग्रामवासियों का कहना है कि चक्र पर दाह संस्कार की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने से निजी जमीन में ही दाह संस्कार करना पड़ता है या आसपास के एकांत व जंगली क्षेत्र में कहीं भी दाह संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि इसके लिए स्थायी व्यवस्था हेतु आज तक पंचायत और प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई पहल या कोशिश नहीं की गई है। यहाँ पर जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले शव के दाह संस्कार की चिंता होती है और किसी भी स्थान पर अनिवार्य रूप से जब दाह संस्कार किया जाता है तो यह दाह संस्कार भी पूर्ण विधि विधान से नहीं हो पाता। जो कुछ होता है मात्र औपचारिक रूप से ही होता है। इस जटिल किंतु परंपरागत प्रक्रिया में सुधार और वर्तमान समस्या के समाधान हेतु ग्रामवासियों की प्रशासन से अपील है कि किसी भी प्रकार इस समस्या की सुनवाई करें और शीघ्र अतिशीघ्र चक्र ग्राम को एक शमशान घाट की स्थायी व्यवस्था निर्मित करें। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मुंगावली से शंभू राठौर की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।